चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच सारणिक का एक मजेदार ट्रिक लाया हूं और मात्र 2 से 3 सेकंड में इस प्रकार के सवाल को बनाएंगे। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यह एक विकर्ण आव्यूह से बना हुआ सारणिक है, डिटर्मिनेंट है, समझे कि नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स से बना हुआ, केवल इसके डायगोनल के एलिमेंट है, समझे कि नहीं, विकर्ण के सदस्य, बाकी एलिमेंट 0 है। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, डायगोनल के जितने एलिमेंट है उसी को मल्टीप्लाई कर देना, उसी को गुणा कर देना। तो देखो इसका जो आंसर होगा बच्चों, यानी क्या होगा, 4 × 5 = 20, 20 × 8 = 160, आंसर यानी क्या हुआ, 4 × 5 × 8। तो 4 × 5 = 20, 20 × 8 = 88 हो गया आंसर। कितना शॉर्ट है, ऐसे हम जानते A11 फिर वो करते कितना समय लगता है। चलिए एक क्वेश्चन और बता रहे, चलिए बच्चों देखिए ये भी आपका क्या है, विकर्णाव्यूह, तो कुछ नहीं करना है, सॉरी विकर्णाव्यूह है उसी से संबंधित है, सारणिक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना बच्चों, केवल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका माना जाएगा 3 × 6 = 24, आंसर हो गया 4 × 12 = 24। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनाने के लिए दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग इसे बनाएंगे। चलिए बच्चों एक मैं सवाल दिया हूँ आपको, इसका आंसर कमेंट में जरूर आप लोग करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।